नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका क्रिकेट धमाका में। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और आज आईपीएल में सुपर संडे है, तो यानी कि दो मुकाबले खेला जाएंगे। पहला मैच दोपहर 3:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। तो वहीं दूसरे मैच की बात करें तो दूसरा मैच होगा किंग्स इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट यशपाल शर्मा। यशपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही इंडिया टीवी की क्रिकेट पिच से मेरे सहयोगी वैभव भोला भी जुड़ चुके हैं। वैभव, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले मुकाबले की, जहां रोहित शर्मा और डेविड वार्नर के बीच जंग देखने को मिलेगी। दोनों ही कप्तान ना सिर्फ अपनी अपनी टीमों के ओपनर हैं, बल्कि सबसे बड़े मैच विनर भी साबित हुए हैं। शारजा के छोटे से मैदान पर पावर हिटर्स लंबे लंबे सिक्सेस लगाने को बेकरार होंगे। यशपाल जी, अब इन दोनों ही मैच विनर प्लेयर्स की बात करें, पावर हिटर्स की बात करें, तो मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा हमें फॉर्म में दिख रहे हैं, उनका बल्ला चल रहा है। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के डेविड वार्नर की बात करें तो कुछ मैचों से इनका बल्ला नहीं चल पा रहा है। बिल्कुल, देखिए, अगर आप किसी से भी बात करेंगे, 20 ओवर का मैच है, कुछ भी हो सकता है, उलट फेर हो रहे हैं। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि मुंबई इंडियंस फेवरेट है। उसका कारण यह है कि मैदान छोटा है और छक्कों की भरमार होगी। कितने छक्के लगेंगे ये नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये देखना है कितनी गेंदें गुम हो जाएंगी जो स्टेडियम के बाहर गिरेंगी। तो क्योंकि मैदान छोटा है और आपने देखा भी होगा गेंदें बाहर पार्किंग में जाके गिरती हैं, तो ये एक मैदान का एक खासियत है कि यहाँ पर बल्लेबाज जो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उतने ही टेंशन में आ जाते हैं गेंदबाज। वैभव, अगर मैं दोनों ही टीमों की ताकत की बात करूं तो वो तो हम बता ही रहे। एक तरफ मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा है और दूसरी तरफ किरण पोलार्ड है, और पोलार्ड के बल्ले से जो शॉट्स हमने देखे थे, जो उनकी मैच विनिंग पारी हमने देखी थी, वो सभी को याद है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हैदराबाद की हम बात करें, वहां पर डेविड वार्नर हैं, केन विलियमसन हैं। लेकिन इन सब के अलावा आपको क्या लगता है दोनों टीमों की वीकनेसेस क्या हैं, जिन पर काम करने की जरूरत है और किसी को उसका फायदा उठाने का मौका ना मिले? बात करें जो मुंबई इंडियंस अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है इस टूर्नामेंट में, पॉइंट्स टेबल में भी हम कह सकते हैं नंबर 2 पर वो पहुंच चुके हैं। एक वीकनेस अगर मुंबई इंडियंस की हम बात करें तो वो ये है कि जो उनके सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक है ना, वो लगातार रन नहीं बना रहे, तो उसका जो सारा सबसे ज़्यादा प्रेशर है रोहित शर्मा पर आ जा रहा है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव की हम बात करें तो वो भी पिछले मैच में कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए थे। तो क्विंटन डिकॉक, जिन्हें आप बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज खिला रहे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर रेस्ट दे सकते हैं और उसकी उनकी जगह आप क्रिस लिन को मौका दे सकते हैं। T20 और T10 के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और अबू धाबी, शारजा, दुबई में खेलने का उनके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और अगर हम बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, तो सनराइजर्स हैदराबाद में भी जो दोनों सलामी बल्लेबाज है ना, डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो, ये दोनों ही इस टीम की हम कह सकते हैं सबसे मजबूत कड़ी है। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि इस सीजन में इनके जो बल्ले से ना रन उस तेजी से नहीं निकल रहे जिसके लिए जाने जाते हैं, तेजी से नहीं निकले। और सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो आज पहले गेंदबाजी करते नजर आएंगे, क्योंकि जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि मुंबई इंडियंस ने टॉस जीत लिया है, पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। और यशपाल जी, जिस तरीके से इस पिच की बात की जाए, बहुत ही रन स्कोरिंग मैदान है और जाहिर सी बात है इसलिए टीम यहां पर बैटिंग का फैसला ले रही है, क्योंकि वो इस्तेमाल करना चाहते हैं कि बल्ले पर आसानी से गेंद आए। क्योंकि ये देखा गया है इस पिच पर जो खास करके स्पिन गेंदबाज हैं, उनका गेंद थोड़ा टर्न भी होता है और थोड़ा धीमा भी आता है, तो वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़े, गेंद आसानी से बल्ले पे आए और एक बड़ा विशाल स्कोर 20 ओवर में कर सके। तो शायद इसीलिए ये एक निर्णय लिया है रोहित ने कि पहले बल्लेबाजी करें। अच्छा, प्लेइंग वैभव, मुंबई की बात करें तो मुंबई का प्लेइंग 11 सेम है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। हालांकि आप कुछ बदलाव की बात जरूर कह रहे थे जोसना, पिछले 2 मैच से कहें 3 मैच से मैं लगातार ये कोशिश कर रहा हूं कि मुंबई इंडियंस जो एक मजबूत जो कह सकते हैं एक कमी जो नजर आ रही है ना इस टीम में, वो किसी तरीके से उसको रेक्टिफाई कर ले। लेकिन रोहित शर्मा हम कह सकते हैं बहुत बड़े कप्तान है, 4 बार मुंबई को आईपीएल चैंपियन बना चुके हैं, तो शायद वो अभी भी क्विंटन डिकॉक पे लगातार भरोसा कर रहे हैं। शायद हम कह सकते हैं जो उनकी क्विंटन डिकॉक की विकेट कीपिंग है ना, वो भी एक एडवांटेज है। शायद ईशान किशन उस रोल में शायद फिट नहीं बैठ रहे होंगे, इसीलिए लगातार जो क्विंटन डिकॉक पे दाव खेला जा रहा है। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि जो आज के मैच में ना, पिछले 4 मैच हो चुके हमने एक भी बड़ी पारी नहीं देखी डिकॉक के बैट से, तो आज वो देखने को मिले। और यहां पर अब सनराइजर हैदराबाद की बात करना चाहूंगा, डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो, 2 ऐसे खिलाड़ी हैं इस टीम के जो अपने दम पर ना मैच का रुख बदलने का वादा रखते हैं, लेकिन अभी तक हमने वो देखा नहीं है। 40-50 रन जरूर इन दोनों बल्लेबाजों ने बनाए, लेकिन इन दोनों बल्लेबाज
गेंदबाजों को बड़े बड़े स्कोर्स के लिए जाना जाता है, तो वही आज हम उम्मीद करेंगे कि जो सनराइजर हैदराबाद है वो भी उनके जो ओपनर्स हैं वो भी उनके लिए कुछ कमाल करें। और क्विंटन डिकॉक से एक बड़ी पारी की उम्मीद सभी को है जोशना। क्विंटन डिकॉक को मुझे लगता है कि क्यों इस मैदान पर मौका दिया, ये एक छोटा ग्राउंड है, बहुत आक्रामक बल्लेबाज है, वो एक अच्छी पिच पर अपने एक क्लास बैट्समैन को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप भी कुछ करके दिखाइए। तो मुझे लगता है शायद इसीलिए मौका मिला है कि ये मैदान छोटा है और वो भी बहुत बड़े बड़े छक्के लगा। लेकिन यशपाल जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मैदान छोटा है इसलिए क्विंटन डिकॉक को एक और मौका दिया, लेकिन अगर हम बात करें क्रिस लिन की, उनका और क्विंटन डिकॉक के बीच में अगर हम बात करें जो स्टैंडर्ड सेट किया है ना, वो क्रिस लिन ने बहुत हाई स्टैंडर्ड अपना सेट किया है, लेकिन फिर भी उनको लगातार मौका ना देना, क्रिस लिन जैसा बल्लेबाज आपके टीम में डग आउट में बैठा है, तो आज अगर वो यहाँ खेलते ना। ये सवाल यशपाल जी डे वन से रहा है क्योंकि पहला मैच मुंबई इंडियंस ने खेला था कि क्रिस लिन को कब लेकर आएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि या तो आज क्विंटन डिकॉक चल जाए वरना फिर क्रिस लिन को मैदान के अंदर लेकर आया जाए। अगर आपको याद हो दिनेश कार्तिक नहीं कर रहे थे तो कह रहे इनको कप्तानी से हटाओ, तो भोला अपसेट हो जाते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि क्विंटन डिकॉक अपनी कप्तान की सुनेंगे और आज विश्वास जीतेंगे और रन बनाएंगे। और यशपाल जी मैं आपको बता दूं कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं जरूर हमें वैभव आप में देखने को मिलती है, जिस डेडिकेशन से आप एक एक प्लेयर पे रिसर्च करते हैं और उनका पूरा बैकग्राउंड पता करके बताते हैं और साथ ही बताते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस किस सीजन में कैसी रही है। बहरहाल अब बात उन खिलाड़ियों की कर लेते हैं जो आज के दिन के आज के मैच के एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है मुंबई इंडियंस के क्विंटन डिकॉक का। क्विंटन डिकॉक की अगर हम बात करें तो इनका जो क्रेडिट पॉइंट है वो है 9.5। मुंबई इंडियंस के लिए ये ओपनिंग बल्लेबाज हैं, हालांकि इनके बल्ले से कुछ कमाल देखने को मिला नहीं, लेकिन बहुत उम्मीद की जा रही है कि इस बार इनका बल्ला चलेगा। डिकॉक पिछले सीजन में 529 रन बना चुके हैं और तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, हालांकि इस सीजन में उनका प्रदर्शन बिल्कुल बदला हुआ सा नजर आ रहा है। चार मैचों में डिकॉक ने सिर्फ 48 रन ही बनाए हैं, लेकिन शारजा में मुंबई इंडियंस को अपना पहला मैच खेलना है और शारजा के छोटे बैटिंग फ्रेंडली विकेट पर डिकॉक कमाल कर सकते हैं, यही उनसे उम्मीद भी की जा रही है। और इस लिस्ट में एक और खिलाड़ी हैं, वो हैं सनराइजर्स हैदराबाद के केन विलियमसन। सनराइजर्स हैदराबाद के कमजोर मिडिल ऑर्डर को केन विलियमसन अपनी बल्लेबाजी से ताकत देते हैं। विलियमसन का क्रेडिट है 9.5 पॉइंट्स। 2018 में विलियमसन ने 735 रन बनाकर ऑरेंज कैप हासिल की थी। विलियमसन की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद को सीजन की तीसरी जीत दिलाने में भी इनकी अहम भूमिका ये निभा सकते हैं। इस लिस्ट में अगले खिलाड़ी हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने पंजाब के खिलाफ पिछले मैच में अपनी ताकत का एहसास कराया था। साल 2019 में हार्दिक ने 190 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 402 रन बनाए थे, साथ ही पिछले सीजन में हार्दिक ने 14 विकेट भी झटके थे। इस सीजन में हार्दिक गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस और उनके फैंस को हार्दिक पांड्या के बल्ले से लगातार मैच विनिंग परफॉर्मेंस की उम्मीद है और हार्दिक का क्रेडिट है 9.5। जी जोशना, मैं आपको बता दूं कि अभी आप केन विलियमसन की बात कर रहे हैं कि आज के मैच के एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। अगर हमें याद हो तो दो मैच जो सनराइजर हैदराबाद ने पहले खेले थे उन दोनों में ही सनराइजर्स को हार मिली थी। उन दोनों मैचेस में केन विलियमसन टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन पिछले दोनों मैचेस में आखिरकार डेविड वार्नर ने फैसला लिया कि केन विलियमसन को टीम में लेके आए, मोहम्मद नबी को ड्रॉप किया। तो आप देख सकते हैं इस टीम का जो ग्राफ है ना लगातार ऊपर जा रहा है, क्योंकि केन विलियमसन सिर्फ बल्लेबाजी में नहीं, जो उनका माइंड है ना वो बहुत शार्प है, बहुत अच्छे कप्तान है न्यूजीलैंड के, तो उनकी कप्तानी भी देखने को मिल रही है कि जब भी डेविड वार्नर फील्ड पे परेशान होते हैं ना तो केविन विलियमसन उनके पास जाते हैं और उनको लगातार बताते हैं आपको ये फील्ड चेंज करनी चाहिए, इस गेंदबाज को मौका देना चाहिए। तो केन विलियमसन इस टीम के सबसे बड़े एक्स फैक्टर हैं, सबसे बड़े एक्स फैक्टर हैं। इसके अलावा यशपाल जी दो और खिलाड़ी हैं जो आज एक्स फैक्टर में शामिल हुए हैं जो मैच बदल सकते हैं। एक हैं हार्दिक पांड्या, जिनको लेकर लगातार आप ये बोलते रहे कि बॉलिंग कब करेंगे, और दूसरे हैं क्विंटन डिकॉक, जिनसे आज इस छोटे मैदान पर बड़े शॉट्स की उम्मीद की जा सकती है। अभी तक जब तक बॉलिंग नहीं कर रहे हैं मुझे लगता है कि वो बचा रहे हैं रोहित, वो एक बार फिर से वो चोटिल ना हो जाए, क्योंकि बल्लेबाजी में वो धमाका उन्होंने करना शुरू कर दिया है और इस मैदान पर तो खास करके पिछले मैच में देखा भी था हमने। बिल्कुल, और उसी को आगे बरकरार रखने के लिए ये मैदान पर वो कोशिश पूरी कर सकते हैं। लेकिन आपने केन विलियमसन की बात की, वो एक छुपे रुस्तम है सनराइजर्स के लिए। उसका कारण ये है कि अगर आपने श्रेयस अय्यर को देखा तो क्रिकेटिंग शॉट्स लगाते हैं,
आप वार्नर की बात करते हैं, बेस्टो की बात करते हैं, लेकिन ये छुपा रुस्तम है वैभव, मैं आऊंगी आपके पास। आज के दूसरे मैच की बात कर लेते हैं। दूसरा मुकाबला होना है चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच। शाम 7:30 बजे ये मैच दुबई के मैदान पर शुरू होगा। आपको बता दें कि इन दोनों ने अभी तक 4 में से सिर्फ 1-1 मैच जीते हैं, जबकि दोनों ही टीमें अब तक 3-3 मैच हार चुकी हैं। पॉइंट्स टेबल में भी ये दोनों टीमें सबसे निचले पायदान पर हैं। वैभव, अगर हम इन दोनों ही टीमों की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स को नीचे लास्ट 4 में देखना थोड़ा पछता नहीं है, क्योंकि चेन्नई एक ऐसी टीम है जो शुरू से या तो नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन पे रहती आई है। देखिए जोशना, ये साल 2020 है और इस साल में जब सब कुछ अलग हो रहा है ना, तो इस बार हमें आईपीएल में भी सब कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो पिछले काफी सालों से ना पॉइंट टेबल में हमेशा नीचे रहते थे, इस समय ये दोनों टीमें टॉप पर हैं और चेन्नई सुपर किंग्स 3 बार चैंपियन बन चुके हैं, इस बार बॉटम में है। हालांकि अगर चेन्नई की हम बात करें, सुरेश रैना और हरभजन का ना होना इस टीम को खल रहा है, और साथ ही ड्वेन ब्रावो शुरुआत के मैच खेले नहीं, बीच में अंबती रायडू भी चोटिल हो गए, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी इस टीम के लिए। यहाँ जो मुझे मेन प्रॉब्लम किंग्स इलेवन पंजाब के साथ है ना, वो ज्यादा नजर आ रही, क्योंकि ये जो टीम है ये बहुत ज्यादा अपने कप्तान और मयंक अपने कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल पर रिलाय कर रही है। तो इन्हें भी आज अगर दूसरा मैच है, अगर ये ग्लेन मैक्सवेल की जगह क्रिस गेल को मौका देते हैं तो इनकी बैटिंग थोड़ी मजबूत हो सकती है, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल को हमने देखा है 2 साल पहले भी, हम बात करें आईपीएल में उन्होंने कुछ नहीं किया था, पिछले साल वो आईपीएल खेले नहीं वर्ल्ड कप की वजह से, और इस बार भी आईपीएल में उनका जो परफॉर्मेंस है ना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो क्रिस गेल को बिल्कुल मेरे हिसाब से आज का मैच खिलाना चाहिए और वो आपको 2 ओवर ना गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं। लाभ की उम्मीद जरूर की जा सकती है, लेकिन अंतिम फैसला टीम और जो टीम के मेंबर्स हैं वो डिसाइड करेंगे। बहरहाल यशपाल जी, आप आज ये दूसरे मैच को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही टीमें बॉटम में। बिल्कुल, दबाव सीएसके के ऊपर ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि दावेदारी सीएसके की ज्यादा है, क्योंकि वो फाइनल में पहुंच के वो जीत भी चुके हैं, तो ये धोनी के ऊपर बहुत दबाव रहेगा। लेकिन ये अच्छा मौका है केएल राहुल के ऊपर कि वो एक अच्छा मैच खेले और जीत हासिल करे, क्योंकि अंक तालिका का ही अब फर्क होगा। को जैसे जैसे अब टीम, चाहे पहला दौर है कि जैसे जैसे कोई हारता जाएगा उसके ऊपर दबाव और बढ़ता जाएगा, लेकिन यकीनन जो दूसरा मैच होगा सीएसके के ऊपर ज्यादा दबाव होगा, और सीएसके अब मैचेस में हारना अफोर्ड कर भी नहीं सकती है। बहुत शुक्रिया यशपाल जी आपका, वैभव आप इंडिया टीवी के क्रिकेट पिच से हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। क्रिकेट धमाका में बस फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको हाथरस में समाजवादी पार्टी के हंगामे और पॉलिटिकल टूरिज्म की तस्वीरें भी दिखाएंगे।